गुड आफ्टरनून सर। सब लोग आ गए हैं या अभी ब्रेक लेट हुआ था? आफ्टरनून सर। प्रेजेंट सर। चल कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें आधा पार्ट हुआ था और आधा पार्ट मैंने कहा था होमवर्क में करके देखना, अगर हो जाए तो। लोगों ने किया था, ट्राई किया करते? हाँ यस पक्का आंसर आ गया जो कल आंसर मैंने बताया था? यस कितने लोगों को डाउट है ईस्ट और वेस्ट का? डाउट है सर, एक बार बता दो आप। पर जो मेरी गट फीलिंग कह रही है ना, काफी कम लोगों ने ट्राई किया घर पे। सर आंसर तो आ गया था सही, ईस्ट वेस्ट का नहीं समझ में आया सर। हाँ मुझे मालूम है इस वजह का नहीं समझ में, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। मुझे तो क्लैरिफिकेशन है कि नहीं समझ में आया होगा। मेरा तो एक्सपीरियंस कहता ही है कि एक या दो बच्चों को छोड़ के क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, मेरी गारंटी है 38 बच्चों को समझ नहीं आया होगा अगर उन्होंने किया होगा तो। अगर मेरा मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है मैक्सिमम तुम्हारी क्लास में 10 बच्चों ने घर पे अटेम्प्ट किया होगा, 10 में से 8 बच्चों को डाउट होगा और 2 बच्चों से सब क्लैरिफिकेशन होगी, हाँ वेस्ट आएगा। सर आपका आंसर देख के उसके हिसाब से निकाल दिया, जबरदस्ती करेक्ट, मुझे का मालूम नोट है, मेरे को मालूम है, मेरे को मालूम है, आई नो अबाउट इट। मेरा फेज वन का एक्सपीरियंस अच्छा है। चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, पहले मैं इसका सलूशन दिखाता हूँ तुम्हारे को स्लाइड के ऊपर, क्या सलूशन है इसका एक बार देखो। जिन्होंने नहीं किया कम से कम नोट डाउन कर लो, एग्जाम के टाइम जब पढ़ना चाहोगे तब सलूशन नहीं मिलेंगे तो ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। कम से कम उतार लो, बस उतना तो कर लो। ठीक है तो मैं शेयर कर रहा हूँ स्लाइड, फिर वहां से पिकअप लेते हैं और ईस्ट और वेस्ट की थोड़ी सी बात, क्या लॉजिक है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, व्हाई द आंसर इज 4706 वेस्ट एंड नॉट द ईस्ट। हाँ जी, तो यही हमारा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट था उसमें हमारे को एंगल पी निकालना था इन द पीजेड एक्स ट्राइंगल और एल एच ए निकालना था हमारे को, सो दैट क्योंकि हमारे को जी एच ए गिवन था, तो अगर हम एल एच ए निकाल लेते हैं तो बचपन की वो कहावत की लॉन्गिट्यूड वेस्ट जी एच ए बेस्ट या लॉन्गिट्यूड ईस्ट जी एच ए लीस्ट, वो फंडा लगा करके मोटा मोटी, जबकि मैं उस फंडे पे नहीं जाता हूँ, मुझे वो फंडा पसंद नहीं है, मुझे प्रैक्टिकली पसंद है वो मैं बताता हूँ अभी कैसे बोर्ड के ऊपर। उस लॉजिक से हम अगर एल एच ए निकाल लें तो हमारा लॉन्गिट्यूड निकल जाएगा और जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। एक बार दिखा रहा हूँ, देखिए ये फर्स्ट पार्ट है। मैं हमने तो सर वैसे ही वही वाला फंडा याद रखा है, कौन सा फंडा है? जी एच ए वेस्ट। एच वेस्ट लॉन्जिट्यूड वेस्ट। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, अभी मैं फंडा क्लियर करता हूँ। वो ना यार एक्चुअली में थंब रूल है, वो मुझे लगता है प्री सी के लिए ठीक है। अब सेकंड मेट पॉइंट ऑफ व्यू से या फेज वन पॉइंट ऑफ व्यू से वो फंडा नहीं लगा तो सकते हो, लगाने में कोई गड़बड़ नहीं है, बट वो एज ए क्रॉस चेक यूज करना चाहिए, वो एज अ मेन फंडा नहीं यूज करना चाहिए, स्पेशली फेज वन गाइज के लिए। ठीक है तो ये हमने कल किया था, आगे बढ़ा रहा हूँ। नाउ ये जो सेकंड पार्ट है जिसमें हमारा लैटिट्यूड, पहला पार्ट था इसमें लैटिट्यूड हमारा 16 डिग्री 12.5 मिनट नॉर्थ आ गया था। अब लॉन्गिट्यूड की कैलकुलेशन दी हुई है, उतार लो इसको, 2-3 मिनट वेट करता हूँ फिर आगे की बात करूँ।
इसमें हम दोनों फंडामेंटल यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, दो इक्वेशन बनाई है, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने एक ये भी लिखा है कौन सा बेहतर है यूज करने के लिए। जब आप लोगों का हो जाए मुझे बताइएगा, ताकि फिर मैं कैमरा स्टार्ट करके बोर्ड पे समझाऊं कि ये लॉन्गिट्यूड वेस्ट क्यों आया। सर इस क्वेश्चन में एलएचए निकालने की जरूरत नहीं क्या? There are two ways of doing this question. The easiest way is on your screen. वो जो तुमने एलएचए निकाला है वो इसलिए निकाला है तुमने क्योंकि तुम्हारे को ये फंडामेंटल क्लियर था, लॉन्गिट्यूड वेस्ट जीएचए बेस्ट। अगर वो फंडामेंटल ना यूज किया जाए, वो थंब रूल ना यूज किया जाए, तो ये तरीका जो मैंने अभी स्क्रीन पे आ रहा है, दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। तरीका वो भी ठीक है, तरीका ये भी ठीक है, इट इज योर चॉइस। चलो बोर्ड पे समझाऊं, अगर नोट डाउन कर लिया हो तो। सर एक बार ये लास्ट स्लाइड शो करेंगे, इससे पहले थी स्लाइड, इससे पहले थी। हाँ जी सर, श्योर श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू सर। कुछ नोट डाउन करना है इसमें से या हटा दो? हटा दो सर, हो गया। थैंक यू। ओके चलो बोर्ड पे आते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज लाइक दिस। जैसे मैंने बताया बोर्ड पे, बहुत ही आसान है, एक मिनट में समझ जाओगे, बट ये फंडामेंटल समझना जरूरी है। बस आ जाए आप। हाँ जी बोर्ड पे देखेंगे। मुझे बस ये बताएं, जो जीएचए हमारे को दिया हुआ है, इक्विनॉक्शियल डायग्राम पे, यानी कि जो हम इक्विनॉक्शियल डायग्राम बनाते थे, और मैंने अभी बना के भी दिखाया था, जिसमें ये पोल होता था और ये ग्रीनविच होता था, हमेशा यही करते थे। अगर जीएचए बॉडी का जीएचए दिया हुआ है, हमेशा जीएचए बॉडी का ही होता है, तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो मेरी बॉडी है उसका ये जीएचए 0006.3 है, क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? चलो बहुत अच्छी बात। अब मुझे ये जो है, दिस इज एक्चुअली ग्रीनविच मेरिडियन, और ये जो है वो सेलेस्टियल मेरिडियन ऑफ बॉडी है ना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? इस डायग्राम के अंदर भी दिस पार्ट इज ऑलवेज ईस्ट, दिस पार्ट इज ऑलवेज वेस्ट, क्या ये बात सही है? Yes, sir. अब एक बात बताओ, ध्यान से देखना, ये जो सेलेस्टियल मेरिडियन ऑफ बॉडी है, क्या वो ग्रीनविच से वेस्ट की तरफ है कि नहीं? यस सर। और
और अगर इसको उल्टा करके समझूं, उल्टा करके मतलब बॉडी से ग्रीनविच ईस्ट की तरफ है, क्या ये बात भी सही है? यस सर, बस यही याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं अपने बेसिक डायग्राम पे जो कल हमने बनाया था, जो कल हमने डायग्राम बनाया था वो कुछ ऐसा बनाया था, यहां पे हमारी बॉडी थी, ये हमारा पोल था, ये दिस इज नॉट, और हमने ऐसे अपना PZX पूरा किया था, सही है ना? ये क्या था बताओ मुझे? कोडेक। ना 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 ना, ये पूरी लाइन सेलेस्टियल मेरिडियन ऑफ द मेरिडियन पासिंग थ्रू द बॉडी, पासिंग थ्रू द बॉडी, करेक्ट है? अगर ये बॉडी का सेलेस्टियल मेरिडियन है, लिख देता हूं मैं, सेलेस्टियल मेरिडियन ऑफ बॉडी, अगर ये इसका सेलेस्टियल मेरिडियन है तो ये जो सेलेस्टियल मेरिडियन मैंने यहां बनाया ये वही बनाया हुआ, हाँ या ना? हाँ जी सर। इसका मतलब ये जो ग्रीनविच वाला मेरिडियन है वो कहीं ना कहीं इसके ईस्ट की तरफ होगा, इसको ग्रीनविच कह दूं? यस सर। अगर ये बात सही है तो ये जो एंगल है क्या ये GHA नहीं है? यस सर। कोई डाउट पहले समझ लो, वन बाय वन प्लीज बी क्लियर ऑन इट, जो भी बात मैं कर रहा हूँ वो समझ में आ रही है? तो सर एक बार फिर बता दीजिए। बोलो। हाँ सर, जूट आ जाते हैं। मैं कह रहा था बेटा ये वाला जो ये वाला मरीडियन है ये बेसिकली सेलेस्टियल मरीडियन ऑफ बॉडी है, ये जो मरीडियन है ये इस डायग्राम पे यही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों सेम है? यस सर। इस डायग्राम के हिसाब से जो ग्रीनविच है वो इस वाले मेरिडियन के ईस्ट की तरफ है इस डायग्राम में, क्योंकि GHA दिया हुआ है, तो मैंने एक अजम्पशन ले ली कि ग्रीनविच मेरिडियन कुछ इसके ईस्ट में कुछ ऐसे होगा, समवेयर डाउन द लाइन हियर, क्या ये बात सही है? सही है सर। अगर सही है तो ये एंगल इसके बीच में GHA हो गया, राइट सर? ओके। हां जी हां जी। अब मुझे ये बताओ ये जो है इसको क्या कहते हैं, ऑब्जर्वर सेलेस्टियल मेरिडियन, क्या ये बात भी सही है? सही सर। सही है। अब इसको अगर मुझे इस डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है तो क्या मैं ऐसे ऑब्जर्वर का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता? कर सकते हैं। अब ग्रीनविच और ऑब्जर्वर के बीच में जो एंगल होता है उसे क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड, करेक्ट? लॉन्गिट्यूड, टू बी परफेक्ट, लॉन्गिट्यूड वेस्ट कहते हैं लॉजिकली इस तरफ वाले को, करेक्ट? तो इसका मतलब ये जो लॉन्गिट्यूड वेस्ट है एज पर दिस डायग्राम, इस पे भी आता हूं, एज पर दिस डायग्राम इस एंगल को मैं एक्स कह दूं तो लॉन्गिट्यूड वेस्ट इज इक्वल टू एक्स प्लस GHA हो गया एज पर दिस डायग्राम, सही है कि नहीं? राइट, या सही सर। और इस डायग्राम की बात करूं तो ये जो एंगल है वो एंगल P है और ये जो एंगल हो गया दिस इज लॉन्गिट्यूड वेस्ट, तो इस डायग्राम के हिसाब से लॉन्गिट्यूड वेस्ट इज इक्वल टू पी प्लस GHA, सिंपल। पी प्लस GHA हमारे को वैल्यू दे रहा है और डायरेक्शन हमारे को वेस्ट की यहां से मिल रही है, तो दिस विल गिव अस फाइनली 4706 मिनट वेस्ट। दिस इज द इजिएस्ट वे टू अंडरस्टैंड। अब तुम चाहते हो मैं LHA के हिसाब से समझा दूं तो वैसे भी समझा सकता हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं, इट इज नथिंग डिफिकल्ट अबाउट इट, सो दैट इज द अनदर वे, इफ यू वांट आई कैन एक्सप्लेन यू
by LHA method also. Yes sir, एक बार बता दो. हाँ पहले एक बार इसको नोट कर लो, एक बार इसको नोट कर लो, समझ लो, ये बड़ा काम आएगी ये चीजें. नोट कर लो दोनों चीज बनाना, ये मत सोचना कि हम इसमें समझ लेंगे. प्लीज मेक श्योर यू ड्रॉ दिस ऑल्सो, जैसा मैंने समझाया एक बार बना लो, फिर मैं LHA के हिसाब से भी समझा देता हूँ. हाँ जी हो गया सबका. हाँ जी सर. हाँ जी सर हो गया. एक मिनट कोई बात नहीं सर. ओके चलो ध्यान से देखो, हमारा डायग्राम यही था. ठीक है ना, जब हमने इसको सॉल्व किया तो P की वैल्यू आप लोगों की आई थी कुछ 46 डिग्री 59.6. क्या ये बात सही है? ये हमारी P की वैल्यू थी और ये हमारा LHA था, क्योंकि बॉडी ईस्ट में, दिस इज ईस्ट, बॉडी ईस्ट की तरफ है तो LHA हमेशा घूम के बनता है. इसका मतलब LHA की वैल्यू जो हमारी आएगी वो कुछ 313 डिग्री 00.4 आएगी. क्या ये बात सही है? यस सर. ओके, GHA की वैल्यू हमारे को दी हुई है 00 डिग्री 06.3 या 4 है? 4 है. 3 तो, हाँ 3 है सर. तो, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है मुझे बताओ. 0.3 LHA बड़ा है ना? Yes. अगर LHA बड़ा है तो लॉन्गिट्यूड हमारा हमेशा ईस्ट आएगा, ये बात भी सही है. तो लॉन्गिट्यूड कितना आया? 312.54. क्या ये बात भी सही है? और टू बी प्रिसाइज, लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 312 डिग्री 54 ईस्ट एज पर आवर थंब रूल. क्या ये बात ठीक है कि नहीं? जी सर. अब इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें ऑन अ इक्विनोक्शियल डायग्राम,
इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीनविथ से हम इसको ईस्ट कहते हैं, इसको वेस्ट कहते हैं हमेशा। इधर चले कितना 312 चले, यहां से इस डायरेक्शन में चले 312, घूमते घूमते हम यहां पे आ गए। सो दिस एंगल इज 312 54 ईस्ट लॉजिकली, बट ये छोटा एंगल कितना है 360, तो लॉन्गिट्यूड वेस्ट इज 360 माइनस 312 54 विच इज इक्वल टू 4706 वेस्ट। दैट्स हाउ यू कम टू नो। सो दिस इज सेकंड वे ऑफ डूइंग द जॉब, अंडरस्टैंडिंग द जॉब, ठीक है। तो ये तुम्हारा थंब रूल है जो मैंने थंब रूल के साथ समझाया, बट आई लाइक द अर्लियर कॉन्सेप्ट स्पेशली फॉर फेज वन। किसी को कोई डाउट आ रहा है प्लीज गो अहेड, डोंट हेजिटेट। कोई छोटे से छोटा भी डाउट आ रहा हो और तो तुम्हारे डाउट से मैं अटक जाऊं, मुझे भी कुछ सीखने को मिले, सो डोंट हेजिटेट टू आस्क। हाँ जी, किसी को कोई डाउट? हर्षित, जसप्रीत, जयदीप कौशल, ऋषभ कुशवाहा? हाँ जी सर, सब समझ में आ रहा है बेटा? आ गया। हाँ सर, आ रहा है, सर आ रहा है, आ रहा है। ओके, वेरी गुड। चलो फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ क्लास में करने के लिए, आप लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है आपकी, अगर आप लोगों ने कर लिया तो फिर मैं स्क्रीन पे लगाऊं, नोट डाउन कर लिया हो तो ठीक है। यस सर, मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ क्वेश्चन, आप लोग करेंगे अभी। हाँ जी, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन व्हिच यू गाइस विल डू। ये साउथ का डायग्राम बना के आप लोग करेंगे। एक इससे पहले ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें कंफ्यूजन होगी, तीसरा क्वेश्चन करो आप लोग पहले, डू दिस क्वेश्चन फर्स्ट, दिस इज इजियर देन द थर्ड वन जो मैंने पहले दिया हुआ था। ये सेम टाइप का एक क्वेश्चन कर लो पहले, फिर एक डिफिकल्ट पे जाते हैं। सब लोगों को मालूम है ज्योग्राफिकल पोजीशन क्या होती है? यस सर, जीएचए एंड डेक्लिनेशन, जीपी ऑफ बेसिकली, उसको जीपी कहते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं लैट और लॉन्ग में बेसिकली। देखो ये इंपॉर्टेंट है, दिस आई वांटेड टू क्लियर। जीपी जो होती है क्योंकि वो अर्थ के ऊपर होती है इसलिए उसकी रिप्रेजेंटेशन हमेशा लैट एंड लॉन्ग में होती है, बट इट इज बेसिकली जीएचए एंड डेक्लिनेशन, but we will represent as lat and long, ठीक है। चाहो तो एक छोटी सी डेफिनेशन लिख सकते हो GP की, which is coming onto your screen, अगर क्वेश्चन उतार लिया हो तो। सर एक बार क्वेश्चन दिखा। हाँ सर, श्योर।
ओके सर ओके डेफिनेशन लिख लो इसकी या तो पढ़ लो या लिख लो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है लेकिन ज्योग्राफिकल पोजीशन की डेफिनेशन फेज वन में आ सकती है वैसे मैंने देखा नहीं है बट आ सकती है चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जो तुम्हें कंफर्टेबल हो हाँ जी गाइस आर डूइंग द क्वेश्चन सब लोग कर रहे हैं क्वेश्चन यस सर कहीं भी कोई भी डाउट आता है मेरे से पूछते रहिएगा एनी डाउट इफ यू फेस प्लीज आस्क मी पहले हमारा डायग्राम ईस्ट में बना था इस बार हमारा डायग्राम वेस्ट में बनेगा सर लॉन्गिट्यूड 64.29.9 वेस्ट और डेक्लिनेशन 24.5.4 नॉर्थ बेटा डेक्लिनेशन तो तेरा ठीक है एक बार लॉन्गिट्यूड दोबारा बताइए सर 64.29.9 गलत है सर बेटा वो तो एंगल पी आया ना सही निकाला है तूने लेकिन वो तो एंगल पी है और एंगल पी इज ऑलवेज इक्वल टू एल एच ए जी एच ए के बराबर थोड़ी होता है हाँ जी सर
आ रही बात समझ में? तेरा आंसर ठीक है बट वो एलएचए निकाला है तुमने, हमें तो जीएचए ऑफ दी बॉडी चाहिए, हमें एलएचए ऑफ दी बॉडी थोड़ी चाहिए। सर 86.49 हो जाएगा फिर। हाँ 86.49.9 क्या? वेस्ट 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 एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है। बाकी लोग कर लो, 5 मिनट और दे रहा हूँ फिर मैं सोल्यूशन दिखाता हूँ इसका। सर आ गया सर 86° 49′ वेस्ट और सर डेक्लिनेशन आया 24° 5′ 5 नॉर्थ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये लॉन्गिट्यूड वेस्ट क्यों आया सर? क्योंकि सर ये बॉडी हमारी वेस्ट में थी ना सर। बॉडी हमारी वेस्ट में, देखो बॉडी हमारी वेस्ट में थी डिपेंडिंग ऑन ऑब्जर्वर के मेरिडियन के हिसाब से, है ना। बट ये कहना कि उसकी वजह से हमारा ये वेस्ट है, ये सही नहीं है सर। क्योंकि इसमें जो सर जी वो सेंटर वो गोल वाला डायग्राम बनाया सर, वहां पे सेंटर में जी रखा, जी से 22 डिग्री आगे ऑब्जर्वर आ गया, ऑब्जर्वर से एलएचए वो और 64 एंगल वेस्टवर्ड और बना दो और फिर जी और वो फिर ऐड हो जाएंगे। उसके हिसाब से वेस्ट में आ गया, ये लॉजिक सही नहीं था, ये बस क्लैरिफाई करना चाह रहा था मैं, है ना। एक बार सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, हैव अ लुक ऑन द सोल्यूशन, किसी को अगर दिक्कत आ रही हो तो यू कैन सी द सोल्यूशन और आई आस्क मी एनी क्वेश्चन ऑन दिस। सर लॉन्ज सर जीएचए कितना है? अभी दिखाता हूँ, एक सेकंड का स्क्रीन पे आ रहा था, अभी बढ़ा रहा हूँ बस, जीएचए वाली गेम भी दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे आ रही है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। जब बॉडी वेस्ट में होती है तो पी इज ऑलवेज इक्वल टू एलएच, ये इंपॉर्टेंट है। सर एक बार इससे पहले वाली स्लाइड दिखाइए प्लीज। हाँ अभी दिखाता हूँ, एक मिनट, लोग पता नहीं कहां पर हैं, क्या नोट डाउन कर रहे हैं। डन सर। ओके एक बार इसको नोट डाउन कर लो। देखो फाइनली जो लास्ट स्टेप मैंने लिखा हुआ है, जीपी को ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, GHA और declination लिख के नहीं represent करना, we will write GP, उसके आगे latitude, उसके आगे longitude लिखेंगे, and that's how we represent GP. अगर GHA declination में छोड़ दोगे, तो मैं तो 5 नंबर काट लूँगा।
जिन्होंने नहीं भी किया वो प्लीज सोल्यूशन नोट डाउन कर लो, जब फाइनली एग्जाम के लिए पढ़ोगे जब भी, तब अगर सोल्यूशन होगा तो आसानी होगी, तो कम से कम नोट डाउन कर लेना, खाली स्क्रीनशॉट लोगे तो दिक्कत आएगी बाद में, प्रैक्टिकली चीजें बता रहा हूं मैं। अब थर्ड क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी आप क्लास में करेंगे, आई एम मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, हटा दो, सबने कर लिया नोट डाउन, समझ में आ गई बात, चलो हैव अ लुक ऑन द थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि इसमें डायग्राम बनाने का ही गेम है बस सारा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन करो और ट्राई करो, ये साउथ का डायग्राम का क्वेश्चन है, सर डेक्लिनेशन 7 डिग्री 15.2 नॉर्थ और LHA 46 डिग्री 31.4 एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट।
सॉल्यूशन दिखाऊं इसका, सब लोगों ने कर लिया हो तो। वैसे आवाज सब एक ही बच्चे की आई है, बाकी लोगों ने कुछ बताया नहीं। कर रहे हो अभी? नहीं हुआ सर। कोई बात नहीं, कर रहे हैं सर, कर रहे हैं सर। हाँ कोई बात नहीं, करो करो। एंगल सर, एंगल जेड 130 कैसे ले लिया इसमें सर? एंगल जेड इट्स ऑल अबाउट मेकिंग अ डायग्राम। अगर डायग्राम, चलो मैं बोर्ड पे दिखा देता हूं, एक सेकंड। सारा गेम है डायग्राम बनाने का। अगर डायग्राम ठीक बनाओगे तो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। देखो ऑब्जर्वर 50 डिग्री साउथ पे है तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक है। इसको कहते हैं नॉर्थ, इसको साउथ, इसको ईस्ट, इसको वेस्ट, ठीक है। सन बेयरिंग दी है 310 की, सो 310 का मतलब इस कशी लाइन पे समवेयर दिस इज 310। क्या ये बात सही है? हाँ जी, किसका डायग्राम नहीं बना था, किसका 310 करते हैं सब। ये एंगल से जेनिथ पे देखते हैं, फिर पोल पे देखते हैं, कौन सा एंगल? अच्छा ये सॉरी, ये तो यहीं पे भी दिख गया। हाँ जी सर, है ना। तो बॉडी कहीं यहाँ पर है, तो हमने जब इसको कनेक्ट किया PZX को, तो हमारे को डायग्राम कुछ ऐसा मिला। ZPX है ना। तो ये जो एंगल है, ये एंगल, ये 40 का हुआ और ये 90 का एंगल, तो दिस एंगल इज 130 डिग्री। समझ में आया कैसे? यस सर, ठीक है। तो दिस इज एंगल दैट इज 130। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी 90 नहीं दिया हुआ, तो हमारे को कोसाइन रूल यूज करना पड़ेगा, दैट इज कॉस छोटा z cos x cos p divide by sin x sin p, simple। और छोटे z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और छोटे z की वैल्यू 90 से ज्यादा आएगी, 90 से ज्यादा आएगी, तो हमारे को समझ में आएगा कि
ये जो पार्ट है वो इसका रियल डेक्लिनेशन है नॉर्थ की तरफ। सर इनिशियल डायग्राम में तो कैसे, अच्छा 310 वो 90 से बड़ा हो गया तो फिर नॉर्थ में हो जाएगा सर। हाँ मैं समझा नहीं। हाँ क्योंकि जो छोटे z की वैल्यू आएगी ना वो हमारी 90 से ज्यादा आने वाली है, तो इट हैज टू बी अवे फ्रॉम इक्विनोक्शियल अदर साइड, है ना। चलो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इसका आंसर एक बार देख लो, नोट डाउन कर लो। देखो स्क्रीन पे इसका आंसर आ रहा है, छोटे z की वैल्यू हमारी आई 97 डिग्री 15.3। सो 97 का मतलब ही ये है कि जो पोल हमने यूज किया था वो साउथ पोल था, तो साउथ पोल से इक्विनोक्शियल तक की डिस्टेंस हमेशा 90 होती है और ये वैल्यू आ रही है 97, तो इट हैज टू बी अवे फ्रॉम इक्विनोक्शियल द अदर साइड, तो देयरफॉर डेक्लिनेशन हैज टू बी 97 माइनस 90 ऑन अ नॉर्दर्नली साइड, दैट इज इक्वल टू 7 degrees 15.3 minutes north। दोबारा कोसाइन रूल यूज करेंगे तो हमारे को पी की वैल्यू मिल जाएगी और पी इज इक्वल टू एल एच ए क्योंकि बॉडी वेस्ट में है और उसकी वैल्यू आएगी 46 degree 31.2। सर ये LHA का एक बार बताएंगे आप सर? हाँ जरूर बताएंगे सर। देख पहली बात है जो डायग्राम, अच्छा बोर्ड पे दिखाना पड़ेगा, एक सेकंड। जो डायग्राम अभी मैंने बनाया है उसमें बॉडी इस तरफ है ना, तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल P है, दिस P इज इक्वल टू LHA, सिंपल, क्योंकि बॉडी वेस्ट में है। तो हम cos p वाला फॉर्मूला लगा करके p निकाल सकते हैं और जो p की वैल्यू आएगी वही LHA की वैल्यू है, वही पूछा गया, सिंपल। ओके सर ठीक है, सबका हो गया, किसी कोई डाउट है मेरे से पूछो प्लीज। सर आंसर कितना आया, एक बार डेक्लिनेशन दिखाएंगे कितने द्वारा? हां दिखा देता हूं, वैसे एक्चुअली इसका आंसर आएगा डेक्लिनेशन 7 डिग्री 15.3, फिर भी अगर चाहता है स्लाइड दिखाना, मैं स्लाइड पे दिखा देता हूं। हाँ डेक्लिनेशन का आंसर स्क्रीन पे आ रहा है और LHA का आंसर भी स्क्रीन पर आ रहा है।
हाँ जी हो गया सबका। चलो यहाँ क्लास खत्म कर रहा हूँ। Enjoy your weekend. See you next week with a new topic of amplitude. तो अभी तक हमने basics खत्म किए हैं, basic understanding, और उसके बाद हमने कुछ numericals azimuth के किए हैं। अब हम amplitude करेंगे next week, amplitude, maximum azimuth और कुछ portion of circumpolar body ही खत्म करा पाऊंगा अगले हफ्ते। और जब ये चार topic हो जाएंगे तो फिर phase one के question पे focus करना शुरू करूंगा थोड़ा थोड़ा, higher level of numericals of phase one, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ दो तीन टॉपिक का मिला के आते हैं हमेशा। ठीक है, चलो एंजॉय योर वीकेंड, बाय बाय, थैंक यू सर, 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 थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। हम एंगल से जानते हैं माइनस कॉस एक्जिस्टिंग साइड कॉस एक्जिस्टिंग साइड होल होगा ना ये।